पहले तो सुबह उठते ही हस्बैंड का टिफ़िन एंड ब्रेकफास्ट रेडी करके मैं नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नहाना अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। बेबी को पूरा दिन अकेले देखना है तो सुबह ये वाला काम कंप्लीट करके रख देती हूँ। उसके बाद जो भी स्किन केयर होता है वो थोड़ा बहुत सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन इसके बाद काम में पूरा उलझने वाली हूँ, तो ये इन सब चीज़ों का टाइम नहीं। चाय मैं लेकर बैठी हूँ, आप लोग देख रहे हो, ये थोड़ा मी टाइम होता है। मैं इस टाइम पे अपना जो पूरा दिन का प्लानिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्या खाना बनाना है, बेबी के लिए क्या बनाना है, हस्बैंड भी निकल जाते हैं, ये थोड़ा शांत वक्त होता है, मैं थोड़ा अपने आप के साथ बिताती हूँ। बेबी का फूड बॉटल स्टेरिलाइज्ड हो गया है, फूड भी रेडी है। ये सब करते करते किचन में आ जाती हूँ। किचन में आके जो जिस दिन खाना बना हुआ रहता है वो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना रहता है, तो सब कुछ क्लीन एंड क्लियर कर देती हूँ सुबह सुबह ही। ब्रेकफास्ट मैंने अलग से निकाल के रखा है, और मैंने आज शैम्पू किया है, तो इसीलिए मैंने डबल सूती का कपड़ा जो होता है मैं अपने बाल में दे के रखती हूँ, इससे कपड़े भीगते भी नहीं है और बालों का पूरा जो पानी है वो निचोड़ लेते हैं। मैं डबल कपड़ा यूज़ करती हूँ, एक कपड़े से पूरा गीला हो जाता है, फिर सेकंड टाइम ये कपड़ा डालकर मैं काम करती हूँ। और एक एक दिन क्या करती हूँ, किचन का एक एक कॉर्नर मैं साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। जैसे आज मैंने वहाँ पे साफ़ कर दिया, वहाँ पे मैंने ट्रे नहीं दिया है, क्योंकि कपड़ा मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है वाइट में, तो उसे धुलने में डाल सकते हैं हम, अच्छे से उस जगह को साफ़ कर सकते हैं। तो अभी बेबी का एप्पल बॉयल मैं रेडी करके रख रही हूँ, ताकि ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद ही मैं एप्पल बॉयल को रेडी कर सकूँ। और जब तक बेबी सोता है तब तक जितना काम हो जाए उतना अच्छा है, तो बेबी का लंच भी मैं अभी प्रिपेयर करके रख दूँगी, ताकि जब वो उठे उसके साथ मैं पूरा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो सब्जी वगैरह जो है कट कट कर कर चावल दाल सब सोक कर रख दूँगी, उसके बाद जो किचन वहाँ पे जो गंदा हुआ पड़ा है वो भी पूरा साफ़ हो जाएगा। और किचन टावल मैं ऑल्टरनेटिव करती रहती हूँ, ये वाला टावल मैं धो के अभी सुखाने दे दूँगी और वो वाला टावल मैं निकाल के रख दूँगी। और ये मैं ना बाहर मार्केट से ही लेती हूँ, क्योंकि मार्केट वाला जो किचन टावल होता है वो बहुत ही अच्छे कपड़ों का बनाया होता है, किचन स्लैब्स वगैरह गैस स्टोव बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी एक क्वालिटी है कपड़ों की। आप लोगों को मेरे चैनल पे बेबी रिलेटेड हर एक वीडियो देखने को मिलेगा, बेबी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, क्या क्या खिलौने देने चाहिए, कौन कौन से मंथ का क्या डेवलपमेंट है, क्या खाता है, फूड चार्ट डाइट चार्ट सब कुछ आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेगा। मेरे पिछले सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को शेयर किया है। तो आज इसी वीडियो में वापस आते हैं, ये है मेरा पूरा किचन जो पूरा रेडी। ये वाला बॉटल मेरा अलग से रहता है पौधों को पानी देने के लिए, और यहाँ पे थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं तो टाइम अच्छा लगता है। और ये जो मनी प्लांट है ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बेबी भी यहाँ पे बहुत इन्जॉय करता है प्लांट्स वगैरह गाड़ी वगैरह, तब तक बेबी उठ जाती है, ये सारे काम करते करते उठ जाते हैं, तो उसे मैंने खिला पिला दिया है। और अभी थोड़ी देर उसको लेकर दोनों बैल्कनी वगैरह सब कुछ घुमा कर लेकर आ गई हूँ, तो अभी उसका ऑयल मसाजिंग होगा, ऑयल मसाजिंग के बाद डायपर फ्री टाइम दूंगी थोड़ा बहुत, तब तक वो खेलेगा, तब तक मैं अपना जो दूसरा काम है सारा कुछ कर दूंगी, मतलब जो बेड सेट करना होता है या फिर घर के जो अलग अलग काम है जो बेबी को लेकर हम आराम से कर सकते हैं, और बेबी को लेकर जो काम कर सकते हैं मैं वो काम ज़्यादातर रख देती हूँ उसके साथ करने के लिए, क्योंकि वो भी डैट टाइम इन्जॉय करते हैं। पर जो दूसरे काम होते हैं जिस टाइम पे बेबी को लग सकती है वो मैं ट्राई करती हूँ, वो जब तक सोता है तब तक मैं वो सारे काम करूँ। और जब तक बेबी है ना, मतलब जगह हुआ है, जो काम आपके 5 मिनट में हो जाते हैं तो बेबी उसमें आके थोड़े मज़े लेता है, तो वो करते करते आप लोगों को वो काम हमें 10 मिनट 15 मिनट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो तभी आके हमारे साथ थोड़ा खेलेगा थोड़ा मस्ती करेगा।
तो ये एक है जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, ताकि एक दिन में पूरा डस्टिंग को देना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। पहले मैं वो करती थी, पर अभी जितना हो सके थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूँ। तो आज जैसे मैंने जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तभी ये सारा थोड़ा सा, क्योंकि डस्ट वगैरह ना होते रहते हैं, घर पे बच्चा है तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, तो ये डस्टिंग वगैरह भी कभी कभी धीरे धीरे करती रहती हूँ। और ये उसको नहाने से पहले मैं कर लेती हूँ, ताकि नहाने के बाद वो आराम से यहाँ पे बैठकर जो भी स्क्रीन टाइम हो या फिर खाना हो, बुक्स रीडिंग हो, वो करता रहे और मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ। तो बेबी भी मेरे साथ देखिए कितने मज़े मज़े कर रहा है, उसे भी ये चीज़ चाहिए, मैं जो कर रही हूँ वो उसे करना है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को थोड़ा सा हेल्प करने की आदत भी हो जाती है और इन्जॉयमेंट भी होता है, हम भी उनके साथ खेलते खेलते अपना सारा काम कर लेते हैं। और ये जो बेडशीट आप लोगों ने देख रहे हो, मैंने जो उठाया और जो अभी देने वाली हूँ, ये ना मीशो से लिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये कभी कभी घर पे रूम पे ब्राइट कलर ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसीलिए ये वाला कलर मैं ढूंढ रही थी बहुत दिनों से, तो ये वाला कलर मिला। समर स्पेशल ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है, आँखों को सूदिंग देता है। और देखिए वो मैं ये काम भी कर रही हूँ धीरे धीरे, उधर बेबी को भी देख रही हूँ वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, खिला भी जाती हूँ उसे, तो चलता रहता है, तो वो भी मेरे साथ इंजॉय कर रहा है, मेरे साथ थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है, पिलो वहाँ से ला कर देता है, तो वो उसको भी देख रही हूँ और बातें भी कर रही हूँ उससे, वो भी मेरे से बातें कर रहा है। और कभी कभी ये कैमरे को हाथ लगाने जा रहा है तो मैं उसे थोड़ा बहुत डांट रही हूँ, तो इसीलिए वो उसको थोड़ा बहुत हाथ नहीं लगा रहा। उसके साथ साथ उसके साथ भी थोड़ा खेलना है, तो अभी वो डायपर फ्री टाइम में रहता है, इसलिए पैंट बदलनी लगती है। तो उसे भी ये वाला कलर बहुत पसंद आया है, वो भी इसलिए बेड पर उठ कर चढ़ गया। तो यहाँ पे मैं जब बाहर आती हूँ ना, तो वो भी मेरे साथ बाहर आता है, मेरे साथ काम करने की कोशिश करता है, तो ये बाहर आना उसे बहुत पसंद है। स्पेशली वो जो नेट का दरवाज़ा है वो उसे ओपन एंड शट करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये ओपन करेगा शट करेगा और बाहर सारी चीज़ें फेंकता रहेगा। कब उसका क्या मूड हो जाए पता नहीं चलता, कभी वो शूज़ पहनना चाहते हैं, कभी नंगे पैर, कभी स्लीपर्स पहनने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ उसके साथ, मेरे साथ वो भी फोल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैं बेबी का कपड़ा रखती हूँ सेक्शन वाइज, जहाँ पे हाफ पैंट, हाफ टी शर्ट, हाफ ये सब कुछ ऐसे सेक्शन वाइज रख देती हूँ। इसके बाद मैं उसको नहाने लेकर गई थी, जो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी हमें मेंटेन करना चाहिए। तो अभी उसका हेयर ब्रश हो गया है, पानी पिला दिया है मैंने थोड़ा बहुत, और वो आज लेट उठा है तो लेट ब्रेकफास्ट किया है, तो मिड स्नैक्स भी मैं लेट ही दूंगी। तो मैंने भी अभी थोड़ा ठीक कर लिया है अपने जो हेयर्स वगैरह सबको, तो अभी थोड़ा बाहर लेकर घूमने जाती हूँ। तो यहाँ पे लॉन वगैरह है, लॉन में थोड़ा उसे अभी घुमा देती हूँ, लॉन में ठंडक भी रहती है और धूप भी नहीं आती है, आराम से घूम भी लेता है, दूसरे बच्चे भी आते हैं थोड़ा बहुत, उनसे बातें भी कर लेता है कभी कभी, तो मुझे बोलता है इधर लेकर चलो उधर लेकर चलो, थोड़ा बहुत उसे अपने आप भी रहने देती हूँ। तो रूम पे आने के बाद मैंने उसे अभी मिड स्नैक्स दिया है, तो आज एप्पल बॉयल किया था तो एप्पल बॉयल खिला रही हूँ। अभी साइकिल में उसका बैठने का मन है तो वहीं पर बैठा के इधर यहाँ वहाँ की स्टोरी बताते हुए उसे थोड़ा बहुत जो मिड स्नैक होता है वो मैं खिला देती हूँ, जैसे भी हो। स्क्रीनिंग टाइम मैं ट्राई करती हूँ बहुत ही कम देने की, और जब भी लेता है थोड़ा बहुत ज़्यादा ही तो लेता है। अभी उसका मैंने खिचड़ी चढ़ाऊँगी, ज़्यादातर मैं उसे खिचड़ी देती हूँ, वेजिटेबल्स को मैं ऑल्टरनेटिव करती रहती हूँ, जो जिस दिन वेजिटेबल्स घर पे होता है या फिर अलग अलग टाइप के। तो अभी वो मुझे खींच के बाहर लेकर जा रहे हैं, उसके साथ खेलना है, तो मैंने उसे गोदी पे चढ़ा दिया, और ज़्यादातर टाइम गोदी पे चढ़ के वो काम देखता रहता है किचन में, उसे खाना पकाना देखना बहुत अच्छा लगता है, शायद बड़ा होकर शेफ़ बनेगा पता नहीं। तो जो भी वेजिटेबल्स मैंने करके रखा था, तो घी में जीरा का छौंक लगा के हल्का सा मैं सब्जी डाल के सौते करूँगी,
देन जो दाल चावल भिगोया हुआ है वो मैं डाल देकर एकदम कम आँच में 2 विसल लगाऊंगी। और बेबी को मैं जब भी पानी पीती हूँ उसे बॉटल में ग्लास में पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा बहुत पिला भी देते हैं, गर्मी भी है। तो इसके बाद जो मेरा रेस्ट ऑफ द वर्क रह गया था वो मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे हाउस हेल्पर आने का भी टाइम हो जाता है। जो ये कारपेट है मैं एवरी डे से ऊपर उठा के रखती हूँ और थोड़ा सा झाड़ू भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये बिस्तर का ही झाड़ू है, ये फ्लोर का झाड़ू नहीं है, तो लगा देती हूँ ताकि अभी चींटियाँ भी हो गई है। समर में ये मुश्किल है, विंटर में देखिए इन सारे चीज़ों से छुटकारा मिलता है पर समर में नहीं मिलता। तो ये सारे जो खिलौने बिखरे रहते हैं वो सारे ठीक समेट के रख देती हूँ ताकि जो हाउस हेल्पर आए अच्छे से पूरा साफ़ करके जाए। और जो मैं वॉशिंग मशीन मैंने लगाई अभी लगाऊंगी, क्योंकि अभी जो पूरे कपड़े हैं सारे दे दिए हैं, तो अभी लगा के जो दोपहर का टाइम होता है सब काम ख़त्म करके कपड़े लगा के फिर मैं चैन से बैठूंगी। तो उधर हाउस हेल्पर भी आके काम कर रही है, उधर बेबी भी थोड़ा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। इस टाइम पे मैं बेबी को बाहर नहीं लाती हूँ क्योंकि बहुत धूप हो गई है और बहुत गर्मी भी हो रही है, तो जल्दी से कपड़े सूखने देने के बाद उसे मैं थोड़ा लंच करवाऊँगी। लंच करवा के मैं भी करूँगी, देन हम दोनों थोड़ा रेस्ट करेंगे। ये टाइम होता है हम दोनों का रेस्ट करने का, इसके बाद ही काम संभलता है, क्योंकि इतना हार्डवर्क के बाद ना मतलब मन नहीं रहता। तो जो भी दाल चावल जो भी बना हुआ रहता है मैं जल्दी से अपना ले लेती हूँ, लेके बस सोने की प्रिपरेशन। गुड इवनिंग गाइस, एंड कैसा लगा आप लोगों को पूरा वीडियो? आई थिंक अच्छा ही लगा होगा। तो मैंने सोचा था आज का मैं पूरा रूटीन आप लोगों से शेयर करूंगी, पर मैं जब भी वीडियो ऑन करती हूँ वही बोलते हैं ऑइंक ऑइंक ऑइंक, तो उसे भी कुछ बात करनी है तो उसे जो बोलना आता है वही बोलता है वो। तो जो भी हो, मैंने सोचा था पूरे दिन का वीडियो मैं शेयर करूंगी पर नहीं हुआ। एक्चुअली सुबह का ही काम इतना ज़्यादा रहता है कि शाम का तो रहता ही है, तो डबल करेंगे तो वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपलोड करूंगी, क्योंकि एक मॉम ऑफ किड का वीडियो रूटीन तो बहुत बड़ा होता ही। अगर एक हाउसवाइफ का होता तो फिर भी मान सकते थे, पर ये तो मॉम ऑफ किड का है तो रियली बड़ा होगा ही, क्योंकि घर पे जितना काम रहता है उससे डबल बेबी के लिए रहता है और बेबी के लिए चैलेंजिंग रहता है उसे खाना खिलाना, उसे नहलाना, उसे जो भी। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।